राज्यसभा सांसद और जदयू के बागी नेता शरद यादव ने जनसंवाद यात्रा के दौरान गया और औरंगाबाद का दौरा किया, जहां पर उन्होंने विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों से जनसंवाद किया। औरंगाबाद में शरद यादव ने नीतीश कुमार की जमकर आलोचना की और कहा कि महागठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार ने जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि ऊपरी स्तर पर गठबंधन भले ही तोड़ दिया गया है, मगर निचले स्तर पर इस गठबंधन को हर हाल में बरकरार रखना है। अमानत जनता ने सौंपी थी, वो ही उस अमानत को छोड़ करके राह बदल लिए और ये चुनौती आई है। इसलिए जनता को आगाह करने आया हूँ, ये गठबंधन महागठबंधन जनता ने बनाया था, नीचे भी बनाए रखना है, ऊपर बेशक तोड़ दिया है, लेकिन यहाँ गठबंधन जो है बनाए रखने के लिए सबके बीच में बोल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शरद यादव ने गया में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नोटबंदी के कारण पूरे देश में 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, उन लोगों के सामने अब रोजगार की बड़ी समस्या है। वहीं पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा के बयान पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस पर गहराई से सोचना चाहिए। जो नोटबंदी है, जो GST है, इस देश की जो इकोनॉमी है उसको इतनी चोट पहुंचाई है कि इस देश के आर्थिक मामलों के बड़े दुनिया के विशेषज्ञ हैं मनमोहन सिंह, पार्लियामेंट के भीतर उन्होंने कहा कि ये मॉन्यूमेंटल डिजास्टर है। ये दूसरे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने कहा है कि देश की GDP जो कही जा रही है उतनी नहीं है। गौरतलब है कि महागठबंधन टूटने के बाद से ही शरद यादव नीतीश पर निशाना साधते हुए उन पर जनता से विश्वासघात का आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर शरद यादव बिहार में अलग अलग जिलों में जाकर जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं और महागठबंधन टूटने के कारणों को जनता के सामने रख रहे हैं। पंजाब केसरी TV के लिए औरंगाबाद से प्रियदर्शी और गया से अजीत की रिपोर्ट।